जिला मुख्यालय धर्मशाला में पुलवामा शहीदों को नमन किया गया। बजरंग दल प्रखंड धर्मशाला की ओर से शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बजरंग दल के नेता नरेंद्र धीमान ने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप 2 मिनट का मौन रखा गया, वहीं पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गयी। जिला मुख्यालय धर्मशाला में पुलवामा शहीदों को नमन किया गया। बजरंग दल प्रखंड धर्मशाला की ओर से शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बजरंग दल के नेता नरेंद्र धीमान ने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप 2 मिनट का मौन रखा गया, वहीं पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस अवसर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं सहित शहर के बुद्धिजीवी वर्ग ने भाग लिया। गौरतलब है कि गत वर्ष 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा CRPF जवानों के वाहनों पर आतंकी हमला किया गया था, जिसमें कई जवान शहीद हुए थे। बजरंग दल के नेता नरेंद्र धीमान ने कहा कि पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी हमले में पाकिस्तान द्वारा कायराना हमला किया गया था, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम यहां एकत्रित हुए हैं। पाकिस्तान चाहे जितनी भी कायराना हरकतें कर ले, हैं सर भी बहुत, बाजू भी बहुत, कट्टे भी चलो और बढ़ते भी चलो। पाकिस्तान जितने भी षड्यंत्र भारत के खिलाफ रच ले, आज नहीं तो कल भारत पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देगा। केंद्र सरकार से मांग है कि अपने खुफिया तंत्र को मजबूत कर पाकिस्तान के जो स्लीपर सेल हैं उन्हें नष्ट किया जाए। कल पहले 14 फरवरी को हमारे जो जवान हैं उनके ऊपर एक कायराना आतंकवादी हमला किया था जम्मू कश्मीर में, तो उसमें जो हमारे जवानों को शहीद किया गया उन्हीं की याद में, उन्हीं को श्रद्धांजलि के लिए, उनकी आत्मा को शांति के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम ये संदेश देना चाहते हैं अपने सेना की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से, पूरे भारत देश की तरफ से पाकिस्तान को कि आप जितने मर्जी कायराना हमले कर लो, है सर भी बहुत, बाजू भी बहुत, कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने भी किस किस्म के षड्यंत्र कर लें भारत के खिलाफ, आज नहीं तो कल आपको जो है भारत मिट्टी में मिला देगा। और आपको जो है कड़ा संदेश इसके लिए आज हम यहाँ से देना चाहते हैं। केंद्र सरकार से हमारी मांग रहेगी कि अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करके जो इनके स्लीपर सेल हैं उनको जड़ से नष्ट कर दिया जाए। हर वो व्यक्ति जो पाकिस्तान की इन दुष्ट हरकतों को लेकर सिंपथाइज करते हैं उन सबको अरेस्ट किया जाए तुरंत और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, और उसके मामले में जो है वो तनिक भी देरी करना उचित नहीं रहेगी। हमारा प्रदेश सरकार को ये संदेश है कि ये एक जिसे बोलते हैं कि एक भावनात्मक विषय होते हैं और इस पर प्रदेश सरकार को जो है वो सही समय पर तुरंत फैसले ले लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर कोई कारण नहीं है कि इसको देर किया जाए।